जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवरात्रि के चार दिनों में यानी कि 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के दिन ग्रह राशि परिवर्तन यानी कि शुक्र का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन और चंद्रमा के राशि परिवर्तन के आधार पर उन 3 राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिनके सगाई के योग प्रबल हैं। आसान शब्दों में कहे तो 100% योग बन रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे अच्छे घर में रिश्ते होते हैं और कुंडली में किस प्रकार के योग बनते हैं, तब आपकी शादी जो है या सगाई अच्छे घर में होती है। तो यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके अलावा सगाई के महत्व के बारे में बताऊंगा। साथ ही चूंकि 1 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाएगी तो माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की विधि भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और पूरा विवरण अवश्य देखिएगा। व्यक्ति विशेष पर यह जानकारी निर्भर नहीं करता है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी जा रही है, तो इसमें मामूली बदलाव कुंडली देखने के पश्चात हो सकता है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए विशेष जानकारी के लिए, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो जन्मदिन के अनुसार से 25 वर्ष आयु उनकी हो चुकी है और जन्मदिन के अनुसार से यह जानना चाहते हैं कि किस वर्ष तक अनुमानित जो है किस वर्ष तक शादी हो सकती है, तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट बॉक्स में दें या फिर केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। इसके अलावा अगर आप प्रेम प्रसंग में और लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन मुझे कमेंट बॉक्स में दे या फिर व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की कितनी संभावना बन रही है। हालांकि कुंडली के अनुसार से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में विलंब हो रही है और उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो वे अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सशुल्क दी जाती है और यह जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं कि नहीं, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा नौकरी कारोबार के योग कितने हैं, संतान के योग कितने हैं, तो यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली बनवाकर अथवा दिखवाकर प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली देखने और बनाने के लिए मामूली शुल्क दी जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शास्त्रों में निहित है कि नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि रहने पर दोनों जातक में से किसी एक जातक के मांगलिक बलि होने पर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं तथा केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, सगाई शादी विदाई आदि चीजों की तिथि निकलवाना चाहते हैं या फिर संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो केपी की वाणी पर आप संपर्क कर सकते हैं। उचित शुल्क पर आपको यह पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए अब मैं आपको पहले सगाई के महत्व के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर माँ कात्यायनी की पूजा विधि बताऊंगा और अंत में फिर मैं आपको उन राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके 4 दिनों में जो है नवरात्रि में सगाई के योग बन रहे हैं। तो महिलाओं के 16 सिंगारों में से 12वें सिंगार का जो स्वरूप है वो अंगूठी होती है और
सगाई की अंगूठी हमेशा तीसरे नंबर की उंगली में पहनी जाती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उंगली के जो नस है उसका संपर्क सीधे दिल से जुड़ा होता है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बना रहता है जो उस हिस्से के रक्तचाप को कंट्रोल में रखता है। जैसे पुरुषों और महिलाओं का रक्तचाप सही रहता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यही कारण है कि ज्यादा गहने पहनने वाले लोगों को बीक बी की शिकायत कम रहती है। अंगूठी अगर सोने की हो तो इंसान को खुशी और तरक्की दिलाती है। अंगूठी अगर चांदी की हो तो इंसान को धैर्य प्रदान कराता है। अंगूठी अगर मोती की हो तो इंसान के क्रोध को शांत रखती है। वहीं अंगूठी हीरे की हो तो इंसान को धनी होने पर मानसिक एहसास तो कराती है, साथ ही इंसान के दिमाग को भी स्वस्थ रखती है, क्योंकि हीरे के कारण निगेटिव विचारों और नकारात्मक ऊर्जा का समापन हो जाता है। हाथ की छोटी उंगली में रिंग पहनने से छाती के दर्द और अस्थमा में आराम मिलता है। तांबे की अंगूठी पहनने वाले व्यक्ति को पेट रोग से मुक्ति मिलती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको रिंग के बारे में बताई है, उनके फायदे के बारे में बताई। आइए मैं आपको माँ कात्यायनी की पूजा विधि बता देता हूँ। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से पूर्व आप इस श्लोक का श्रवण अवश्य करें। सष्टम कात्यायनी चंद्रहास उज्ज्वलाकरा सादुर्वरवाहना कात्यायनी शुभ दधा देवी दान व घातनी। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। वह महर्षि कात्यायन की पुत्री है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार व्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं का पूजा अर्चना किया था। इससे प्रसन्न होकर इन्होंने सबको अभीष्ट प्राप्ति का वर दिया था। आज भी कन्याएं जो हैं विवाह में अवरोध उत्पन्न होने पर माँ कात्यायनी की पूजा उपासना करती हैं और उन्हें अभीष्ट वर की प्राप्ति होती है। माँ की मुद्रा शांत है, उनकी चार भुजाएं हैं और माथे पर मुकुट धारण कर रखी हैं। दाहिने माँ के दोनों हाथों से वर मुद्रा में है, वहीं बाएं हाथ में खड़ग और कमल पुष्प विराज रहा है। दाहिने हाथ में वर मुद्रा है, यानी कि वे आशीर्वाद देने के स्वरूप में है। कैसे करें पूजा? तो जिन कन्याओं के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है उन्हें चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आमचन कर पूर्ण सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें। इसके पश्चात पीले वस्त्र धारण करें और पीले आसन पर बैठकर माँ कात्यायनी जी का ध्यान करें और माँ का सर्वोपचार व पंचोपचार पूजन करने के पश्चात हल्दी के माले से जो है 21 माला जब मंत्र का जाप करें। वो मंत्र निम्न है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसके अलावा ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः क्लीम ओम। इस मंत्र का जाप आपको 21 माला करना है माँ कात्यायनी पूजा के दिन, यानी कि 1 अक्टूबर के दिन में। तो इस मंत्र के जाप से जो है आपके जो विवाह में बाधा आ रही है वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। आप इस मंत्र को व्हाट्सएप के जरिए भी मंगा सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूँ। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इस मंत्र का निष्ठापूर्वक पूजन और जप करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको उन तीन राशियों के बारे में विस्तार से बता देता हूं। तो पहली राशि कन्या राशि है, जिनका नाम अक्षर प यानी पी से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी बुद्ध हैं, आराध्य देव श्री गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग हरा है, भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि धातु चांदी एवं सोना है। राशि सुव्रत पन्ना है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार बुधवार शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। कन्या राशि के जातकों के, खासकर कन्या राशि के लड़कों के लिए, जो शुक्र का गोचर कन्या राशि में हो रहा है 24 सितंबर को और इसके पश्चात जो है कन्या राशि के लड़कों के विवाह के योग बन रहे हैं, सगाई के योग बन रहे हैं, तो इन 25 दिनों में जो है यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के मध्य, जबकि नवरात्रि का 9 दिनों में सगाई और शादी के कार्य संपन्न किए जाते हैं, उन दिनों में सगाई के 100% योग बन रहे हैं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या में हो रहा है और शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि में हो रहा है, तो कन्या राशि के लड़कों के लिए शुभ योग बन रहा है। इस राशि के जातकों के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। ससुराल की अधिकतम दूरी जो है 80 से 100 किलोमीटर हो सकती है। किस नाम के जातकों से आपके विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं या किस नाम से शादी हो सकती है? तो ASD नाम के जातक से आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं मकर राशि के जातकों के साथ आपका मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है,
तो उनके साथ अगर सगाई और शादी संपन्न हो तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के जातकों के भी जो है मंगल मिथुन राशि में विराजमान है और 16 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। इसके चलते जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। इनका नाम अक्षर क से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी बुद्ध हैं, आदिदेव श्री गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका हरा है। भाग्यशाली अंक इनके लिए 3 और 8 है। राशि धातु चांदी एवं सोना है। राशि सुव्रत रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूल वार बुधवार शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए जो है वो दक्षिण है और राशि तत्व पृथ्वी है जबकि राशि प्रकृति वायु है। शादी किस दिशा में होगी तो उत्तर पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अधिकतम दूरी जो है 80 किलोमीटर हो सकती है। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है तो PSV नाम के जातक से आने के प्रबल योग हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ अपर्णय सूत्र में बन सकते हैं। मीन राशि के जातकों के साथ विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहने वाला है। अगली और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर D से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करें। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ लक्ष्मी के स्वरूप की माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना करें तो आपके लिए शुभ योग बन रहा है। हालांकि वर्तमान समय में गुरु वक्री हैं और 29 जुलाई से लेकर 24 नवम्बर के मध्य तक जो है गुरु वक्री ही रहेंगे और उसके पश्चात फिर मार्गी हो जाएंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, किंतु पंजाब समुदाय के लोगों के नवरात्रि में सगाई और शादी संपन्न किए जाते हैं तो उनके लिए मीन राशि के जातकों के शादी और सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं। इस राशि के जातकों का नाम अक्षर D से शुरू होता है और इनके लिए विवाह प्रस्ताव SGV नाम से आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बंध सकते हैं। वहीं बात करें कि क्या करें तो शीघ्र विवाह के लिए आप विष्णु नारायण जी की पूजा आराधना करें और माँ दुर्गा की उपासना अवश्य करें। दुर्गा पूजा के 9 दिनों में अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो माँ दुर्गा की पूजा उपासना सच्ची श्रद्धा और भाव से करें और आप फलहार व्रत रख सकती हैं। इसके अलावा 9 दिनों में जो है स्लीपर न पहने साथ ही ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। शयन अगर भूमि पर करें तो यह ज्यादा ही श्रेष्ठ कर होगा। तामसिक भोजन का परित्याग करें, लहसुन प्याज बिल्कुल ही ना लें। इन नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर देने की कोशिश की गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।